नमस्कार, सेकेंड सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हम लोग देखेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग आ, में वैसी कौन सी एक चीज़ है जिसके बिना आप डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट नहीं कर सकते हैं राइट right. इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है आ, डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है दैट uh, कि डिजिटल मीडियम पे आप मार्केटिंग एक्टिविटी कर रहे हैं यूजिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म दिस इज द कंप्लीमेंटिंग मेथड ऑफ़ दिस इज़ वन ऑफ द मेथड ऑफ मार्केटिंग जितने मार्केटिंग के मेथड ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं उनके साथ ही एक और मीडियम एग्जिस्ट करने लगा है बिकॉज ऑडियंस योर टारगेट ऑडियंस योर कस्टमर्स द इंटायर वर्ल्ड इज स्पेंडिंग मोर टाइम ऑन द डिजिटल मीडियम आज हम देखते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ है एटलीस्ट यू मस्ट हैव मिनिमम आपके पास वो चीज़ तो होनी चाहिए तभी आप डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट कर सकते हैं सो व्हाट इज द वन थिंग यू नीड टू गेट स्टार्ट विद डिजिटल मार्केटिंग सो डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट करने से पहले मार्केटिंग तब होती है जब आपके पास कुछ ना कुछ मार्केट करने के लिए है वो आपके पास कोई प्रोडक्ट हो सकता है कोई सर्विसेज हो सकती है कोई इंफॉर्मेशन हो सकता है या कोई लाइक uh, uh, like, uh, आपके आइडियाज हो सकते हैं तो जब तक आपके पास अपना प्रोडक्ट नहीं है सर्विसेज नहीं है इन्फॉर्मेशन नहीं है आइडिया नहीं है इसमें से कोई भी एक चीज़ होनी चाहिए कोई भी एक चीज़ आपके पास है जिसको आप मार्केट uh, करना चाहते हैं जिसको आप अपने टारगेट ऑडियंस तक पहुंचाना चाहते हैं जिसको आप बाकी लोगों तक को बताना चाहते हैं आइधर उनको केवल बताना चाहते हैं या उनको बाय uh, करने के लिए परसुवेट करना चाहते हैं बट यू मस्ट हैव समथिंग समथिंग टू प्रमोट समथिंग टू मार्केट अब इन दिस केस इफ व्हाट इफ आपके पास अगर कोई मार्केटिंग के लिए कोई प्रोडक्ट नहीं है कोई सर्विसेज नहीं है तो क्या आप डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट नहीं कर सकते नो no. फिर भी आप डिजिटल मार्केटिंग 100 परसेंट स्टार्ट कर सकते हैं कैसे कर सकते हैं व्हेन यू आर वर्किंग फॉर अ कंपनी जब आप किसी कंपनी में एज अ डिजिटल मार्केटर ज्वाइन करते हैं या डिजिटल मार्केटिंग के किसी मीडियम uh, uh, के तौर मीडियम पे uh, पे काम करने के लिए ज्वाइन करते हैं तो वहां कंपनी के पास एक प्रोडक्ट होता है कंपनी की अपनी वेबसाइट्स होती हैं कंपनी के अपने प्रोडक्ट होते हैं सर्विस ज होता है ब्लॉग होता है उनके वीडियोज होते हैं जिनको आपको प्रमोट करना होता है उनके फिजिकल प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको आपको प्रमोट करना होता है उनके इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट होते हैं जिनको आपको प्रमोट करना होता है उनके फेसबुक पेज होते हैं जिनको प्रमोट करना होता है सो so, आपके पास कुछ ना कुछ है प्रमोट करने के लिए तब हम डिजिटल मार्केटिंग करते हैं तो डिजिटल मार्किटिंग करने से पहले उस प्रोडक्ट उस सर्विसेज उस इंफॉर्मेशन का डिजिटल प्रेजेंस होना जरूरी है अगर मुझे मोबाइल को की डिजिटल मार्केटिंग करनी है तो मोबाइल का डिजिटल प्रेजेंस चाहिए अगर मुझे पेन का डिजिटल मार्केटिंग करना है तो पेन की डिजिटल प्रेजेंस चाहिए सो so, जिस भी प्रोडक्ट सर्विसेज इंफॉर्मेशन आइडिया की आपको डिजिटल मार्केटिंग करनी है उसका डिजिटल प्रेजेंस होना जरूरी है आ, आ, अब डिजिटल प्रेजेंस कैसे बना सकते हैं फॉर एग्जाम्पल आपके पास फिजिकल प्रोडक्ट्स हैं लैपटॉप uh, है डेस्कटॉप है ग्रोसरीज है किचन के आइटम्स हैं, फर्नीचर्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, आर है कोई भी फिजिकल प्रोडक्ट है सो so, इसकी डिजिटल मार्केटिंग कैसे करेंगे यू हैव टू क्रिएट अ डिजिटल प्रेजेंस उसके लिए ई कॉमर्स वेबसाइट स्टार्ट करेंगे सो ई कॉमर्स वेबसाइट इज़ अ डिजिटल प्रेजेंस ऑफ योर प्रोडक्ट अगर उस प्रोडक्ट को आप अमेजोन uh, या फ्लिपकार्ट में लिस्ट करते हैं तो दैट इज डिजिटल प्रेजेंस ऑफ योर प्रोडक्ट अगर आप उसके बारे में व्हाट्सएप फॉर बिजनेस में एक कैटलॉग बनाते हैं तो दैट इज डिजिटल प्रेजेंस ऑफ योर प्रोडक्ट अगर आप uh, उसको Uh, उसके बारे में एक ईमेल लिखते हैं दैट इज डिजिटल प्रेजेंस ऑफ योर प्रोडक्ट आपने अगर उसके बारे में एक ब्लॉग लिख लिया दैट इज डिजिटल प्रेजेंस ऑफ योर प्रोडक्ट अगर उस प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करता हुआ एक वीडियो बना लिया दैट इज डिजिटल प्रेजेंस ऑफ योर प्रोडक्ट तो इस तरीके से किसी भी प्रोडक्ट uh, या सर्विसेज या इंफॉर्मेशन या आइडियाज़ को डिजिटल मीडियम पर प्रमोट करने के लिए उसका डिजिटल प्रेजेंस होना जरूरी है तो आगे हम लोग देखेंगे जैसे फर्स्ट डिजिटल प्रेजेंस वी विल स्टार्ट विथ क्रिएटिंग अ वेबसाइट कि अपनी वेबसाइट कैसे बना

केवल इंफॉर्मेशन हैं तो इन्फॉर्मेशन से ई e बुक्स बना सकते हैं पीपीटीज बना सकते हैं वीडियोज़ बना सकते हैं ऑडियोज बना सकते हैं तो इन्फॉर्मेशन uh, को भी आप प्रमोट कर सकते हैं सर्विसेज लेस लैस सपोज आर की सर्विस हो गई या टीचिंग uh, की सर्विस लाइक सपोज मैं आई एम गिविंग अ ट्रेनिंग तो ट्रेनिंग इज़ अ काइंड ऑफ सर्विसेज एजुकेशनल सर्विसेज हो गए मेडिकल सर्विसेज हो गए तो कंसल्टेंसी की सर्विसेज हो गई तो अगर आपके पास कोई सर्विस है वो भी आप अगर दे रहे हैं तो उसका भी पहले आपको डिजिटल प्रेजेंस बनाना होगा या कोई ऐसा आइडिया है जो यू फी कि ये पूरे वर्ल्ड में लोगों को पता होना चाहिए पूरी इंडिया के लोगों को पता होना चाहिए इस आइडिया से लोगों की लाइफ बदल सकती है आप अपनी वेबसाइट बना सकते हैं फ्री वेबसाइट्स बना सकते हैं ब्लॉग बना सकते हैं फेसबुक पेज बना सकते हैं यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड कर सकते हैं ई लिख सकते हैं व्हाट्सएप के कैटलॉग बना सकते हैं व्हाट्सएप पर कॉम्युनिक अपने प्रोडक्ट सर्विसेज के बारे में कर सकते हैं uh, अपने प्रोडक्ट सर्विसेज इंफॉर्मेश को एक्सप्लेन करता हुआ लाइक पॉडकास्ट ऑडियो कॉन्टेंट क्रिएट कर सकते हैं ऑल दीज आर डिजिटल प्रेजेंस ओके डिजिटल प्रेजेंस में आप uh, क्या क्या इंक्लूड करना चाहेंगे सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दिस इज असाइनमेंट फॉर यू आज के सेशन का एक असाइनमेंट आप नोट कर ले एक एक्सेल सीट खोलेंगे और जिस भी प्रोडक्ट सर्विसेज इंफॉर्मेशन आइडिया को आप प्रमोट करना चाहते हैं उसके उसके सारे बेनिफिट सारे वैल्यू एडिशन सारे फीचर्स किसी किस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर रहे हैं क्या बेनिफिट आप दे रहे हैं क्या हेल्प आप कर रहे हैं क्या सॉल्व कर रहे हैं क्या एडवांटेज दे रहे हैं वाई यू आर द बेस्ट वाई मीन्स कि आपका जो प्रोडक्ट सर्विसेज इंफॉर्मेशन आइडिया है कोई भी आपका बायर्स या पोटेंशियल कस्टमर आपसे ही क्यों ले किसी और से क्यों ना ले फॉर एग्जाम्पल अगर ये डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है तो वाई एनी वन शुड टेक डिजिटल मार्केटिंग कोर्स फ्रॉम डिजिटल साइन ओनली डिजिटल साइंस से ही लेना चाहिए कहीं और से क्यों नहीं तो डिजिटल के क्या क्या एडवांटेज हो सकते हैं ये ये सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट देंगे देंगे लाइक हम एंड थ्री इंटर्नशिप देंगे और लाइक जॉब प्लेसमेंट में आपको हंड्रेड परसेंट हेल्प करेंगे आ, आ, आपको प्रैक्टिकल सारा कुछ प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे सो तो ये इनके पास 12000 हजार एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं जो डिजिटल मार्केटिंग के प्रोफेशनल्स को खोज की रिक्वायरमेंट है उनको तो वहाँ पे आपको वहाँ तक आपकी रीच होगी ये छः साल पुरानी कंपनी है तो उनका एक अपना इस्टेब्लिश नेटवर्क है जिसका एडवांटेज आप ले सकते हैं तो ये सारे क्या हो गए यू हो गए दिस इज़ द रीज़न आपका इस सर्टिफिकेशन uh, की मार्केट में वैलिडिटी uh, कितनी है सो uh, so ये ये जो सारे बेनिफिट्स हैं ये जो सारे वैल्यू एडिशन्स हैं ये सारे एडवांटेज इज़ द कलेक्शन ऑफ योर यूएसपी ऑफ योर प्रोडक्ट यूएसपी यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन

दैट दिस इज द वन ऑफ द असाइनमेंट फॉर यू कि एक एक्सेल सीट बनाएंगे इस एक्सेल सीट में आपके जो कॉमन बेनिफिट्स हैं एक तो है कि डिजिटल साइंस से जो भी कोर्स लेगा उसको ये दस बेनिफिट्स मिलेंगे ही मिलेंगे सो दैट इज योर कॉमन बेनिफिट ए यूएसपी यू हैव टू राइट एट वन प्लेस एक तो कॉमन बेनिफिट के राइट्स आपको लिखने हैं एक जगह पर और दूसरा प्रोडक्ट वाइज बेनिफिट हर प्रोडक्ट किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है अगर फेसबुक मार्केटिंग एक कोर्स है तो फेसबुक मार्केटिंग किसी को क्यों करना चाहिए क्या क्या बेनिफिट मिल सकता है फेसबुक मार्केटिंग करने से या गूगल एड्स की कोर्स को करने से क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकता है गूगल एड्स का कोर्स कैसे यूनिक है सो so, आप प्रोडक्ट वाइज बेनिफिट्स भी लिखेंगे और एक कॉमन कंपनी एक एक कंपनी का जो बेनिफिट्स हो सकता है वो भी लिखेंगे सो दिस इज द असाइनमेंट फॉर यू एक एक्सल सीट में अपने कॉमन बेनिफिट्स और प्रोडक्ट वाइज बेनिफिट्स या प्रोडक्ट वाइज यू को लिखेंगे एंड ये जो कॉन्टेंट आप तैयार करेंगे ये जो बेनिफिट्स की लिस्ट आप तैयार करेंगे दिस इज द बेनिफिट्स विल हेल्प यू टू क्रिएट द डिजिटल प्रेजेंस इसी बेनिफिट्स को हम डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स में डिफरेंट तरीके से ब्लॉग पे फेसबुक पे uh, अपने वेबसाइट्स पे मेल पे सारी जगह पे इन्हीं इन्हीं एस को इन्हीं प्रोडक्ट फीचर्स को इन्हीं एडवांटेजेस को यही जो सोल्यूशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं इस सोल्यूशन को हम डिफरेंट तरीके से डिजिटल प्रेजेंस में इंक्लूड uh, करेंगे ताकि लोगों को हम बता पाए कि दिस इज द बेनिफिट ये इस बेनिफिट की वजह से आपको ये प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है सो डिजिटल मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट करने के लिए आपको कोई ना कोई प्रोडक्ट सर्विसेज इन्फॉर्मेशन आइडिया चाहिए और डिजिटल uh, मार्केटिंग uh, के में स्टार्ट करने से पहले आपको अपने प्रोडक्ट का पूरा नॉलेज होना चाहिए एज अ प्रोडक्ट के तौर पे आप क्या सोल्यूशन ऑफर कर रहे हैं इस सोल्यूशन की क्लैरिटी होनी चाहिए ताकि उसी सोल्यूशन को आप डिजिटल प्रेजेंस में इंक्लूड कर पाएँ राइट right? तो नेक्स्ट uh, सेशन में हम लोग देखेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग करने का क्या क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है क्या व्हाट इज़ द रीजन व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव व्हाट इज द गोल ऑफ डूइंग डिजिटल मार्केटिंग राइट तो अभी इस सेशन के लिए थैंक यू वेरी मच नेक्स्ट सेशन में देखते हैं व्हाट इज द गोल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग थैंक यू सो मच